गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SVN ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, आज हम करेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण किसे कहते हैं? उस ध्वनि जो हम बोलते हैं, जो हम बोलने से जो ध्वनि निकलती है और जिस ध्वनि के हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं? वर्ण। जो मतलब हम एक ही अक्षर बोलते हैं, एक अक्षर बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वह ध्वनियाँ क्या कहलाते हैं? जो हम उच्चारण करते हैं, जिन ध्वनियों को हम निकालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या 44 है। हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 44। 11 स्वर है और 33 व्यंजन। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्गों की माला यानी वर्णमाला। वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ग होते हैं उनका जो व्यवस्थित रूप होता है उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण में क्या आता है? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, ऐसा वर्ण जिसमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। जैसे अ, आ, ई, उ, उ, री, ए, ओ, औ, ये क्या है? स्वर। ये क्या है? स्वर, जिसकी हम मात्राएं लगाते हैं। इनकी क्या है? सभी की क्या होती है? मात्राएं। हम इनको मात्राओं के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं और वैसे भी हम इन वर्णों को लिखते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तीन। हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। हर्षव स्वर में क्या होते हैं कि ये क्या होता है? हर्षव स्वर में सबसे कम समय, इसके उच्चारण में क्या है? सबसे कम समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? हर्षव स्वर। जैसे ए, ई, उ, ए, जो छोटे हैं, पहले छोटा है फिर बड़ा आ, छोटी ई फिर बड़ी ई, छोटा उ फिर बड़ा उ, री छोटा ए बड़ा ए, तो इनमें क्या है? कम समय लगता है। जिन शब्दों जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं? हर्षव स्वर। हर्षव स्वर में कौन से आएंगे? ए, ई, उ, ए और री। स्वर के आगे क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में, जो स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से ज़्यादा समय लगता है, थोड़ा सा दुगना समय लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। हर्षव स्वर से जिसमें दुगना समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और उनमें आते हैं आ, ई, बड़ा उ, ए, बड़ा ए, ओ और औ। आगे आ गया पलुत स्वर। पलुत स्वर में क्या है? इसमें हर्षव स्वर से तिगुना समय लगता है। हर्षव स्वर से इसमें तिगुना समय लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? पलुत स्वर। इसमें क्या होते हैं? चिन्ह। इसका प्रयोग पुकारने, रोने या जोर से गाते समय किया जाता है। जिनमें जैसे ओम, आ, ऐसे जो बोलते हैं उसमें अधिक समय लगता है, जिसमें हर्षव से तिगुना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? पलुत स्वर। व्यंजन,
जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तीन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उषम व्यंजन। इसमें क्या है, व्यंजन के कितने भेद हैं? तीन। व्यंजन का हम उच्चारण करते हुए किसकी? स्वरों की सहायता लेते हैं। स्वरों की सहायता के बिना ये इसका उच्चारण नहीं होता, ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे अपने स्पर्श व्यंजन हुआ, स्पर्श व्यंजन में क्या कौन से आते हैं? कै वर्ग, कै वर्ग की पूरी, कै ख ग घ ड, च वर्ग की पूरी लाइन, च छ ज झ, अने ट वर्ग की पूरी लाइन, ट ठ ड ढ न, त वर्ग की पूरी लाइन, त थ द ध न, और प वर्ग वाली पूरी लाइन, प फ ब भ और म। इसी तरह अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं उसमें कौन से आते हैं? य र ल और व। उषम व्यंजन कौन से होते हैं? उषम व्यंजन कौन से होते हैं? श, अक्षय, उस और है। इसमें एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? री, श, त्र, ग और री। अन्य व्यंजन में क्या कौन से आते हैं? डे और ढ। ये कितने हुए पूरे? इसके जो मूल रूप है वो होते हैं 33, लेकिन संयुक्त रूप और अन्य को मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 39। कितनी हो जाती है? 39। तो व्यंजन के सिर्फ तीन ही भेद माने जाते हैं, व्यंजन के सिर्फ तीन ही भेद माने जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उषम व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं जिन इन वर्णों में श्वास, वायु, कंठ, होंठ और जीवा को स्पर्श करती है, इनके उच्चारण में श्वास वायु, श्वास वायु, कंठ, होंठ और जीवा स्पर्श करती है, बाहर निकल क्या होती है इसे बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। जिसमें जिस वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, कंठ, होंठ और जीवा स्पर्श करती हो, बाहर निकलती हो, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25। इनकी संख्या कितनी होती है? 25, और ये पांच भागों में बटे होते हैं। इनका नाम क्या होता है? प्रथम वर्ण के आधार पर माना जाता है, इनको प्रथम वर्ण के आधार पर मानते हैं। अगला क्या है? अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुँह के किसी भाग को पुरंते स्पर्श नहीं करती। जिन शब्दों, जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए जीभ क्या है, हमारे मुंह के भाग को, किसी भी मुंह के भाग को स्पर्श नहीं करती, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनकी कितनी संख्या होती है? 4। आप उच्चारण करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जीभ स्पर्श करती है, बाहर निकलती है और कैसे नहीं निकलती। इनका आप उच्चारण करके देखना। उषम व्यंजन तीसरा क्या है? उषम व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह द्वारा वायु तीव्र गति से रगड़ खाने की वजह से गर्म होकर निकलती है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से जो वायु निकलती है वो तीव्र गति से रगड़ कर और रगड़ खाने की वजह से क्या होती है? गर्म होकर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उषम व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी थी? 4। श, अक्षय, स, है, ऐसे। तो आप
इन वर्णों का उच्चारण करके देखोगे और इन वर्णों को अच्छी तरह से वर्ण विचार का आप अच्छी तरह से पहले पढ़ोगे, इसको देखोगे, सुनोगे और अच्छी तरह से पढ़कर फिर आप अपनी नोटबुक पर इसको करना। ओके, धन्यवाद।